क्योंकि हमारी जनप्रिय सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, अगर उनका मन होगा, अगर वो चाहेंगे कि सोनिया जी लड़ें या राहुल जी लड़ें, तो निश्चित रूप से हम लोग चाहे ये स्वीकार करेंगे, चाहे राहुल जी लड़ें या प्रियंका जी लड़ें, हम सब लोग उनके साथ मिल करके लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं, चूंकि इस समय जो मुद्दा है देश के सामने, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अपराध बढ़ रहे हैं इसका मुद्दा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसका मुद्दा है, तो पिछली बार की अपेक्षा अब की बार जनता ये समझ चुकी है कि भाजपा की सरकार केवल झूठे बात करती है, झूठे वादा करती है, और भाजपा से लोगों का विश्वास घटा है। निश्चित रूप से अब की बार पूरे देश में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। दिल्ली के गलियारों में एक चर्चा है जो बहुत तेज है कि रायबरेली से 2024 का लोकसभा चुनाव प्रियंका गांधी लड़ेंगी। रायबरेली में कांग्रेस की कमान संभाल रहे पंकज तिवारी हैं, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर यह चर्चा उन तक पहुंची है या नहीं। पंकज जी, अगर प्रियंका गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो बहुत बहुत उनका भी स्वागत है, क्योंकि हमारी सबकी जनप्रिय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ की सांसद हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रायबरेली जनपद के लिए बहुत सारा विकास किया। रायबरेली जनपद के लोग सोनिया जी को, राहुल जी को और प्रियंका जी को दिल से चाहते हैं, और लोगों की स्वीकार्यता गांधी परिवार में है कि गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, लोग तन मन धन से उनके लिए जुड़ेंगे उनके साथ। अच्छा, जिलाध्यक्ष रहते हुए क्या आप चुनाव के दौरान या अभी वो प्रस्ताव भेजेंगे कि प्रियंका जी को रायबरेली लाया जाए लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे लोकसभा सदन में जाने के लिए? नहीं, चूंकि हमारी जनप्रिय सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, अगर उनका मन होगा, अगर वो चाहेंगे कि सोनिया जी लड़ें या राहुल जी लड़ें, तो निश्चित रूप से हम लोग चाहे ये स्वीकार करेंगे, चाहे राहुल जी लड़ें या प्रियंका जी लड़ें, हम सब लोग उनके साथ मिल करके लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनाव के लिए आप कितने तैयार? चुनाव के लिए राजनीतिक रूप से आपको लगता है कि पिछले बार की लीड इस बार बढ़ेगी? अमेठी आपके हाथ से निकल चुका है, बदले हुए राजनीतिक स्थितियों में आप अपने आप को चुनाव में पा रहे हैं? नहीं, चूंकि इस समय जो मुद्दा है देश के सामने, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अपराध बढ़ रहे हैं इसका मुद्दा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसका मुद्दा है, तो पिछली बार की अपेक्षा अब की बार जनता ये समझ चुकी है कि भाजपा की सरकार केवल झूठे बात करती है, झूठे वादा करती है, और भाजपा से लोगों का विश्वास घटा है। निश्चित रूप से अब की बार पूरे देश में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। थैंक यू। तो ये थे पंकज तिवारी, जिन्होंने बताया कि प्रियंका जी अगर चुनाव लड़ने आती हैं तो उनका भी स्वागत है, लेकिन अंतिम निर्णय सोनिया गांधी के हाथों में होगा। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली।